स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 10, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर। देर आर सम मोर units of measurement, that is millimeter is a convenient unit for measuring the thickness of a coin and diameter of a thin wire, etc. It means if things are long, big in diameter, then we must have to use the unit for measurement as meter. And jab किसी कॉइन की थिकनेस नापनी हो या फिर किसी वायर का डायामीटर मेज़र करना हो, यानी वो वायर कितना पतला है कितना मोटा है, देन ऐसे केस में हम मेज़रमेंट की कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? द यूनिट इज़ मिलीमीटर। हियर इज़ इन दिस चैप्टर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ आर गिवन, जस्ट लाइक 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हियर इज़ सम units of length that you will have to remember. Here is another example that you have to solve. Mohan's house is 3250 meters from his school. Express this distance in kilometer. It means Mohan's house ka jo distance hai uske school se, wo 3250 meters diya gaya hai. इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो व्हाट विल यू हैव टू डू, यू नो वेरी वेल दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 3250 मीटर इज इक्वल टू 3250/1000 इज इक्वल टू 3.25 किलोमीटर। इन दिस वे यू कैन चेंज दिस यूनिट मीटर इनटू किलोमीटर बाय डिवाइडिंग द अमाउंट बाय 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हाउ वुड यू मेजर द करेक्ट मेजरमेंट? टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट वी नीड प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस। मेजरमेंट की एक्यूरेसी कैसे आएगी? जब हम प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस को यूज करेंगे। और ये चॉइस किस पर डिपेंड करती है? द चॉइस ऑफ द मेजरिंग डिवाइस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नीडेड। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर चॉइस ऑफ मेजरिंग डिवाइस डिपेंड करती है। इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट सम कॉमनली यूज लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस। द फर्स्ट लेंथ मेजरिंग डिवाइस इज रूलर और मीटर स्केल। दिस इज ऑल्सो इन योर जियोमेट्री बॉक्स। द सेकेंड मेजरिंग डिवाइस इज मेजरिंग टेप, यूज फॉर मेजरिंग कर्व्ड एज वेल एज स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स। यानी मीटर स्केल का यूज हम उन ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने में करते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल है या किसी की वेस्ट की लेंथ लेनी है, आर्म की लेंथ लेनी है, इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? मेजरिंग टेप। हाउ वी विल हैव टू यूज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ मेजरिंग डिवाइस? तो आपके पास मेजरिंग डिवाइस है, किस तरह से इसको हम यूज़ करें कि सही मेज़र ऑब्जेक्ट्स का आए? जस्ट लाइक अगर आपके पास रूलर है स्केल और आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट रख कर के मेज़र करते हैं, देन जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो मेज़रमेंट आएगी वो बिल्कुल सही आएगी। बट अगर ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हुए आप स्केल को टेढ़ा रखेंगे तो आपका जो मेज़रमेंट आएगा वो रॉन्ग आएगा। ठीक। द सेकेंड नंबर इज दैट कीप योर आई इन
लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेज़रमेंट, जहाँ पर मेज़रमेंट आप शुरू कर रहे हैं आपकी जो आई साइट है बिल्कुल वहाँ पे पॉइंटेड होनी चाहिए, तभी जो एक्यूरेसी है मेज़रमेंट की वो आ पाएगी। देन डू नॉट स्टार्ट मेजरिंग और मेज़रमेंट फ्रॉम द वर्न आउट और डैमेज्ड एंड। मीन्स अगर स्केल का कोई पोर्शन डैमेज्ड है तो वहाँ से आपको मेज़रमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट मेज़रमेंट फ्रॉम अदर मार्क ऑफ द स्केल, देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंट बिटवीन द रीडिंग एट द टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच की जो रीडिंग होगी उसका जब डिफरेंस निकालेंगे, सपोज ये वन पर रखा हुआ है और यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है, एंड जो पॉइंट है वो टू है, तो इस ये जो भी क्यूब या क्यूबॉयड है इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो हम टू में से वन को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा वन। ओके, देन कैसे निकालेंगे? व्हाइल मेजरिंग, दिस इज द एग्जांपल नंबर टू, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल द रीडिंग ऑन द स्केल आर 3 सेंटीमीटर एंड 33.1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। ये एक स्केल पर निटिंग नीडल रखी हुई है और उसको मेज़र करना है कि कितनी इसकी लेंथ है, तो कैसे निकलेगी? हमेशा हम जो सेकेंड रीडिंग आ रही है स्केल पर उसमें से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही हमारे नीडल की मेज़रमेंट होगी। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? लुक अराउंड, व्हाट डू यू सी? अपने आसपास अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। देयर आर मैनी थिंग्स जस्ट लाइक रो ऑफ हाउसेज, लार्ज ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स, साइकिल, बाइसिकल, कार्स, एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर देयर दैट यू आर एबल टू लुक इन योर सराउंड। ईच हाउस इन योर लोकेलिटी रिमेन्स एट इट्स अलॉटेड प्लेस। मीन्स आपके आसपास जो भी हाउस है, ट्री है, स्मॉल प्लांट है, ये सारी चीज़ें अपने, इनके लिए जो एरिया है वो अलॉटेड है, अपनी जगह पे ये स्टेबल हैं। बर्ड्स कीप फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा होगा इन द स्काई दैट बर्ड्स आर फ्लाइंग, एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स फ्लाई करते रहते हैं। दे मे सिट फॉर अ वाइल ऑन टॉप ऑफ द ट्री, उनकी अगर मर्जी है तो थोड़ी देर के लिए कहीं भी वो बैठ भी सकते हैं। पीपल मे सिट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। सो वी सी देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब तक हमने क्या जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू डिफरेंट टाइप होता है। तो टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम एंड द अनदर ऑब्जेक्ट दैट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो टाइम के साथ अपनी पोजिशन को चेंज कर रहे होते हैं और कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो टाइम के साथ अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करते हैं। तो द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम आर सेड टू बी रेस्ट, एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स टाइम के साथ अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करते उनको बोला जाता है कि वो रेस्ट पोजिशन में है। और द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजिशन विद टाइम आर सेड टू बी इन मोशन। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजिशन को चेंज करते हैं उनको बोलते हैं दे आर इन मोशन। तो टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो गए, वन सेड टू बी एट रेस्ट एंड अनदर सेड टू बी इन मोशन। द सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट एट वन मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट बट मे बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर टाइम। मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट
एक जगह से देखने पे आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मूवमेंट में है, वो मोशन में है, और उसी को दूसरी प्लेस से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पोजिशन में है। देयरफोर नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन इन द यूनिवर्स, यानी पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पोजिशन में हो या एब्सोल्यूट मोशन पोजिशन में हो। यानी पूरी यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दोनों पोजीशन को फॉलो ना करती हो। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट, ये दोनों का आपस में रिलेशन है, स्टेट ऑफ मोशन का और स्टेट ऑफ रेस्ट का। सच अ फिक्स्ड पॉइंट इज चूजन आर्बिट्रेरली, दिस मे बी इलस्ट्रेटेड बाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है उसके ज़रिए हम आपको इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं।